जो ट्रक और बस ड्राइवर्स हैं जिनके बड़े लाइसेंस हैं, वो कहते हैं जी हम हैवी व्हीकल का क्या करें। उसके बाद जी कमर्शियल लाइसेंस की बात करते हैं, जब आपको पुर्तगाल का लोकल लाइसेंस। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल शहबाजी मां व्लॉग्स। उम्मीद करता हूं सब खैरियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर से, मज़े में आपकी दुआ से जी। आज की वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो ड्राइविंग लाइसेंस है। काफ़ी लोग यूएई से, कतर से, सऊदी अरेबिया से मुझे मैसेज करके एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई यूएई का जो लाइसेंस है उसकी क्या वर्थ है यूरोप के अंदर, क्या उसके ऊपर हम गाड़ी चला सकते हैं या नहीं चला सकते, या हैवी व्हीकल जो लाइसेंस होते हैं ट्रक के या बस के उनका क्या स्टेटस है। पाकिस्तानी जो लाइसेंस है या यूएई, कतर या सऊदी, कहीं के भी आपके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस है तो उसका क्या हम कर सकते हैं। तो वीडियो कंटिन्यू करने से पहले सबसे रिक्वेस्ट है जी, भाई का चैनल लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। पुर्तगाल में सेटलमेंट से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन, कोई हेल्प चाहिए हो तो फाइल लॉक से रिलेटेड, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, मैसेज आते हैं, तो सेकंड ऑप्शन में ट्विटर भी है, फेसबुक पेज भी है, कहीं ना कहीं आपको रिप्लाई जल्दी मिलेगा। देखिए अपने मामला भी होते हैं, वो भी देखने होते हैं। तो कई लोग होते हैं वो कहते हैं जी हमें रिप्लाई नहीं कर रहे, हज़ारों मैसेजेस आते हैं। अब जिनको मैं रिप्लाई कर चुका हूँ फिर वो भी डेली बेस पे मैसेज, कोई ना कोई छोटी मोटी, भाई वो एजेंट ऐसा कह रहा है, वो एजेंट ऐसा कह रहा है, लेकिन वो एजेंट कह रहा है भाई उसकी मुझे ना मैसेज किया करें, उसकी रीज़न है कि मेरा भी टाइम वेस्ट होता है, मैं आपकी बजाय वो टाइम वेस्ट करने में, जो नए लोग हैं जिनके पेंडिंग में पड़े हुए हैं तो उनको मैं रिप्लाई करूँ तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। अच्छा जी, वीडियो कंटिन्यू करते हैं। जो हमारा टॉपिक है आज का वो ड्राइविंग लाइसेंस है। पहली बात है जी, ड्राइविंग लाइसेंस जब आप इरादा रखते हैं पुर्तगाल आने का तो अपना ड्राइविंग लाइसेंस का जो प्लान कीजिएगा, ड्राइविंग लाइसेंस अपना लाजमी बनवाइएगा, क्योंकि यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस जो है टीआरसी के बाद आपको चेंज होके मिल जाता है, पुर्तगीज यूरोपियन जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो मिल जाता है। तो आने से पहले जब अपना ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी बनवा के आइएगा और चाय भी पिया करें, अच्छी होती है सेहत के लिए कभी कभी। और जो यूएई, कतर और सऊदी अरेबिया की बात करते हैं, क्योंकि यूएई के जो वहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके जहन में यही बात डाली जाती है कि भाई इंटरनेशनली जो है ना इसकी बड़ी वर्थ है, ये ऐसा है भाई। इंटरनेशनली हर कंट्री का जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो सबकी वर्थ होती है। आप एज अ टूरिस्ट किसी भी कंट्री में जाते हैं तो आप एज अ टूरिस्ट अपनी पर्सनल गाड़ी चला सकते हैं, आप कमर्शियल गाड़ी नहीं चला सकते अपनी। इसी तरह यूएई का जो लाइसेंस है वो पूरी दुनिया में वैलिड तो है, लेकिन एज अ टूरिस्ट पर्पज़ के लिए आप जा रहे हैं तो फिर आप वैलिड है आपका। आप एज अ टूरिस्ट हैं तो आप अपनी पर्सनल गाड़ी चला सकते हैं, उस पर कमर्शियल गाड़ी आप नहीं चला सकते। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाएं, आपने वहाँ पे कमर्शियल गाड़ी चलानी है तो वो उस कंट्री का लोकल लाइसेंस आपको लाजमी चाहिए, तो फिर ही आप कमर्शियल गाड़ी चला सकते हैं, वरना आप गाड़ी नहीं चला सकते। तो भाई अगर ये यूएई में जो बैठे हैं, कतर में, सऊदीया में, जिनके पास हैवी व्हीकल लाइसेंस है या छोटी गाड़ियों के लाइसेंस है, वो यहाँ पे आके पहले 6 महीने जो है ना, आप तो वैसे भी हमारा लाइसेंस भी वहाँ वैलिड है पूरी दुनिया में, भाई हमारे जो पाकिस्तान लाइसेंस है उसकी भी बहुत वर्थ है। 6 महीने के लिए आप किसी भी कंट्री में जाते हैं, 6 महीने के लिए अपनी इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर आप अपनी गाड़ी चला सकते हैं। कमर्शियल गाड़ी नहीं चला सकते, पर्सनल गाड़ी आप चला सकते हैं। इसी तरह यूएई का जो लाइसेंस है उसके ऊपर भी आप जी 6 महीने अपनी पर्सनल गाड़ी यहाँ पे लीगली चला सकते हैं। बाकी लोग तो 2-2 साल भी चलाते रहते हैं, पता ही नहीं चलता, यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट ना करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती यहाँ पे, लेकिन इलीगल रास्ते की तरफ बिल्कुल नहीं जाएं, जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं उसी के मुताबिक चलना चाहिए आपको। तो जी अगर आपने अपना यहाँ पे ड्राइविंग का काम करना है, जॉब करनी है, जिस तरह चीज़ करनी है, उसके लिए आपको पहले, सबसे पहले आपको यहाँ की टीआरसी कार्ड लेना है। टीआरसी कार्ड लेने के बाद जो है आपने अप्लाई करना है ड्राइविंग लाइसेंस चेंज करने के लिए। उसके लिए आप जिस कंट्री का आपका लाइसेंस है, जैसे यूएई का है तो यूएई से आपको एनओसी, नो ऑब्जेक्शन लेटर जो होता है वो चाहिए होगा, कतर में है तो कतर से चाहिए होगा, सऊदीया से, सऊदीया से, पाकिस्तान का तो पाकिस्तान से चाहिए होगा। तो वो फिर आप वो जब लेटर मंगवाते हैं, लेटर मंगवा के यहाँ पे एक एप्लीकेशन होती है ऑनलाइन फिल करके, अपना मेडिकल यहाँ पे करवा के तो आप सबमिट करवाते हैं। इसमें मैंने डिटेल वीडियोज़ बनाई हुई है, मेरे चैनल पर जाकर वॉच कर सकते हैं। और दूसरा जी, अब आते हैं बात जो ट्रक और बस ड्राइवर्स हैं जिनके बड़े लाइसेंस हैं, वो कहते हैं जी हम हैवी व्हीकल का क्या करें, उसका क्या प्रोसेस है। देखें जी, हैवी व्हीकल के लिए आपको यहाँ पे टेस्ट पास करना ज़रूरी है, वो इसी तरह चेंज नहीं करते। अगर आपको टीआरसी मिल गई है, टीआरसी कार्ड मिलने के बाद आपको यहाँ पे क्लासेस अटेंड करनी पड़ेंगी, क्लासेस अटेंड करने के बाद फिर भाई आपको जो है बड़ा लाइसेंस आपने अप्लाई करना है, वो भी टेस्ट देना है आपने। मुश्किल नहीं है, हो जाता है, क्लियर हिम्मत रखनी पड़ती है थोड़ी बहुत, लेकिन हैवी व्हीकल के लिए आपको टेस्ट लाजमी है, उसके बिना आपका एक्सचेंज नहीं होता। वो एक्सचेंज सिर्फ नॉर्मल कार और बाइक का होता है, उससे बड़ा लाइसेंस एक्सचेंज नहीं होता। उसके बाद जी कमर्शियल लाइसेंस की बात करते हैं, जब आपको पुर्तगाल का लोकल लाइसेंस टीआरसी के बाद लोकल लाइसेंस मिल जाता है, लोकल लाइसेंस लेने के बाद अगर आपने कमर्शियल गाड़ी चलानी है तो उसे ग्रुप ऑफ दोष कहते हैं यहाँ पे, वो कमर्शियल एक्टिविटी का लाइसेंस होता है, तो वो भी आपको अप्लाई करना होता है। उसके बाद फिर ही आप पुर्तगीज लाइसेंस के बाद कमर्शियल लाइसेंस लेके वो भी मिल जाता है, मुश्किल नहीं है। तो उसकी फ़ीस होती है, मेडिकल होते हैं, 30 यूरो फीस जमा करा के वो भी अप्लाई करें, 10 दिन के अंदर अंदर आपके घर के पते पर आ जाता है वो, तो वो लाइसेंस लेके फिर आप कमर्शियल गाड़ी चला सकते हैं।
और अगर आप TVDA जिसे यहाँ पे Uber और Bolt बोलते हैं, टैक्सी बोलते हैं, वो काम करना है आपने, तो वो TVDA का अलग से लाइसेंस होता है। पहले आपने पुर्तगीज़ लाइसेंस लेना है, पुर्तगीज़ लाइसेंस के बाद आपने ग्रुप दो यानी कमर्शियल लाइसेंस लेना है, कमर्शियल लाइसेंस लेने के बाद फिर आपने TVDA जो Uber चलानी है उसका लाइसेंस अप्लाई करना है। उसके लिए क्लासेज होती है, 50 घंटे का कोर्स होता है, 25 घंटे आपने क्लासेस अटेंड करनी होती है, 25 घंटे ऑनलाइन आपको अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ऑनलाइन रहना होता है। उसके बाद फिर आप वो अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर ग्रुप दो का लाइसेंस और TVDA का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो जाके IMT की जो यहाँ का अथॉरिटी है ट्रैफिक की उसके वहाँ पर जमा करवाते हैं, तो वो आपको TVDA का भी एक लाइसेंस देते हैं, फिर आप TVDA की गाड़ी यानी कि Uber और Bolt पे टैक्सी भी चला सकते हैं। तो ये थी जी अपडेट छोटी सी लाइसेंस से रिलेटेड। काफ़ी लोग यही क्वेश्चन कह रहे हैं क्योंकि सऊदी, कतर, ओमान, इन गल्फ कंट्रीज काफ़ी लोग मूव करके यहाँ आ रहे हैं, तो उनका मेन क्वेश्चन यही होता है क्या भाई हम उस लाइसेंस के ऊपर गाड़ी चला सकते हैं, यहाँ पे कमर्शियल हमें ड्राइविंग की जॉब मिल सकती है? बिल्कुल नहीं, आपको बिल्कुल जॉब नहीं मिल सकती जब तक आपके पास TRC कार्ड ना हो यहाँ का, जब तक यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पे नहीं हो, कमर्शियल लाइसेंस ना हो, आप कमर्शियल गाड़ी नहीं चला सकते। पर्सनल गाड़ी 6 महीने के लिए आप चला सकते हैं अपनी, यही भाई सच्चाई है। और कई लोग वीडियोज़ बनाई हुई हैं विदाउट TRC ड्राइविंग लाइसेंस लें, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई चीज़ पॉसिबल है, हमें हमारी नज़र में तो कोई नहीं है, हमारा डेली का काम है चीज़ें अपडेट करना और चीज़ें प्रोसेस करना, तो हमें तो नहीं पता, लेकिन जो लोग इस तरह की इन्फॉर्मेशन डिलीवर करते हैं भाई अल्लाह हाफिज़ा उनका, वो क्या कह सकते हैं। बस यहाँ पे सिस्टम ऐसा होगा कि हर बंदा जिसको सब्सक्राइब कहना भी नहीं आता ठीक से, सब्सक्राइब कह रहे होते हैं तो वो भी इन्फॉर्मेशन डिलीवर कर रहे हैं, तो ऐसी चीज़ें जो है ना अवॉइड किया करें। खैर, कंटेंट क्रिएट करना एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन कंटेंट भी ऐसा क्रिएट करें ताकि ऑथेंटिक हो और ताकि लोगों को जो राइट वे में इन्फॉर्मेशन डिलीवर करें। ऐसे कंटेंट होते हैं वो जो लोग होते हैं बेचारे उनको कंफ्यूज कर देते हैं, फिर लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, फिर जब इधर उधर भटकते हैं किसी ना किसी फ्रॉडी के हाथ लग जाते हैं और फिर जो है ना अपना चीज़ें गड़बड़ कर बैठते हैं। उम्मीद करता हूँ आपके काफ़ी पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे ये ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड जो गल्फ कंट्री से आ रहे हैं कि उनको उनके लाइसेंस की क्या वर्थ है। यहाँ पे सिर्फ आते ही आप जो है यहाँ पे अपनी पर्सनल गाड़ी चला सकते, कमर्शियल नहीं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ जी। अल्लाह हाफिज़।